हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में, जो कि केवाईसी नहीं हो रहा है बहुत सारे लोगों का। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ है कि इसके पेटीएम के मालिक हैं वो, उनका नाम है विजय शेखर शर्मा, उनपे आरोप ये लगा है कि पेटीएम जो है उनपे लगा है कि उनके कंपनी पे लगा है। वही बात है फ्रेंड्स, उसपे आरोप ये लगा है कि पेटीएम जो है वो अपना डाटा लीक कर रहा है चाइना को, इसीलिए उसपे बैन कर दिया गया है, क्योंकि आप उस पर नया अकाउंट से रजिस्टर नहीं कर सकते हो। और जिसके पास मिनी केवाईसी हो वो कर सकता है, लेकिन उसके पास तो है ही, वो कर सकता है, लेकिन मैंने फ्रेंड्स एक बार ट्राई किया, वो नहीं हुआ, क्योंकि उस पर केस हुआ है। और वीडियो केवाईसी तो नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हो रहा है केवाईसी, तो फ्रेंड्स डोर स्टेप वाला हो रहा होगा या फिर मैंने गलत टाइम पे किया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए यूजर हो तो आपका केवाईसी अभी तो नहीं ही हो सकता है, अगर आप पुराने यूजर हो तो मतलब आपका केवाईसी हो चुका होगा, तो शायद होगा अगर दूसरे बार आप केवाईसी करा रहे हो। तो फ्रेंड्स, अगर केवाईसी करा रहे हो दूसरे बार तो उसमें आपको ये फीचर मिलता है कि आप एक बार केवाईसी करा ले, मिनी केवाईसी करा लेते हो तो 2 साल के लिए छुट्टी हो जाती है और 2 साल तक आपको केवाईसी नहीं करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि आपको वो देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप मतलब एक मिनी केवाईसी है तो आप मिनिमम 10,000 तक अपने अंदर मतलब अथु में ले सकते हो अपने पेटीएम वॉलेट में, और किसी को भेजना भी हो तो 10,000 तक ही भेज सकते हो, और आप इजिली किसी को भी पे नहीं कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ मर्चेंट को पे कर सकते हो, जैसे कि कोई सेलर है ऐसे दुकान पे रखर जो होते हैं फ्रेंड्स, उनको पे कर सकते हो जिनके पास वो पेटीएम वाला बॉक्स होता है जिसपे आप स्कैन करते हो तो बताता है पेटीएम पे इतना रुपए प्राप्त हुए, या वो होता होगा देखे हैं आप, तो उस पे आप दे सकते हो, या फिर आप गूगल पे फोन पे इस सब पे आपका पेमेंट नहीं होगा फ्रेंड्स। और आपको ऐड करने के लिए आप बहुत सारे चीज से ऐड भी उस पे नहीं कर पाओगे, अगर आपको करना होगा जैसे कि आप एयरटेल थैंक्स से आप उसमें पैसा ऐड करना चाहते हो अपने पेटीएम वॉलेट में, जैसे एयरटेल थैंक्स होता है कि वो भी एकदम एक तरह से मतलब एक बैंक अकाउंट ही होता है फ्रेंड्स, उसमें आप पैसा रख सकते हो और उसका एक मतलब डेबिट कार्ड भी देखने को आपको मिलेगा, जिससे आप वर्चुअली मतलब वर्चुअल डेबिट कार्ड ही होता है, लेकिन आप उससे रिचार्ज वगैरह कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन वो पेटीएम में काम नहीं करता, उसमें आपको एक जैसे SBI वगैरह का ही मतलब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चाहिए पैसे उसमें अपने वॉलेट में लेने के लिए, नहीं तो आपको पैसे भेजने हैं पेटीएम के थ्रू तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास कोई बैंक अकाउंट है उसको लिंक कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा तामझाम ये है कि आपको वही यूज करना पड़ेगा जो कि मान लीजिए आपके पास इस नंबर से पेटीएम है, ठीक है, आप इसी नंबर से बनाना चाहते हो तो आपका बैंक अकाउंट भी इसी नंबर से रजिस्टर होना चाहिए, नहीं तो नहीं बन सकता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो इतना ही हम आपको पेटीएम के बारे में जो जानकारी दिए हैं वही था। और फ्रेंड्स, आप अब केवाईसी नहीं करा सकते हो अगले न्यूज आने तक, आप अभी अगर न्यू यूजर हो तो नहीं केवाईसी करा सकते हो, अगर ओल्ड हो तो करा सकते हो, और अभी शायद हो रहा है बहुत मेरे दोस्त लोग बोले कि जिसके पास मिनी केवाईसी है वो केवाईसी फुल केवाईसी करा सकता है। फ्रेंड्स, डोर स्टेप पे भी वेरिफिकेशन होता है, आप वो भी देख सकते हो, लेकिन वीडियो केवाईसी इजी होता है, आप 2 मिनट के अंदर आपका केवाईसी हो जाता है वीडियो के थ्रू, लेकिन मेरा नहीं हुआ। मैं फ्रेंड्स पहले क्या हो रहा था, जब आज से कुछ महीने पहले, जैसे 2-3 महीने पहले क्या हो रहा था कि मैं पहले आप केवाईसी पे जा रहे थे तो मिनिमम 10,000 मतलब मेरा मिनी केवाईसी आज से 1 साल पहले का है, तो फ्रेंड्स उस टाइम कोई दिक्कत नहीं था। अगर उस पे मैं क्या कर रहा था कि मैं अब फुल केवाईसी के लिए वहां पे नीचे कर रहा था, वो ऊप्स समथिंग वेंट रॉन्ग करके कर जाता था, वो लेके कट जाता था। अब क्या हो रहा है कि वो करने पे आपको दिखाने लग रहा है ऊपर वीडियो केवाईसी कर सकते हो, आपको मतलब आपको केवाईसी करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, जैसे आधार कार्ड रिक्वायर्ड होगा, पैन कार्ड रिक्वायर्ड होगा, आप क्या कहते हैं टीनेजर नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 के ऊपर होने चाहिए आप, और डोर स्टेप का दिखा रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर मैं वहाँ पे वीडियो केवाईसी पे करके और फिर वहाँ पे आधार कार्ड मांग रहा था, मैं वहाँ पे वो डाला तो उनका आधार नंबर तो वहाँ पे भी वही लिख के कट गया, तो फ्रेंड्स मुझे तो नहीं, मैं बाद में ट्राई करूंगा फ्रेंड्स, अगर होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।